मुझे बहुत डरावना सपना आता है और उसमें पापा की बॉडी दिखती है, पापा का चेहरा जला हुआ। कभी शोर वोर होता है तो डर सा लगता है कि कहीं दोबारा वो हादसा ना हो जाए। मैं नहीं चाहता ये क्या नाम मुझे मेरे साथ हुआ है, वो किसी और के साथ हुआ। हम सुखियार में रहते थे तो मेरे पापा इस समय में गए थे, तो फिर वहाँ से आते वक्त जब वे आ रहे थे वे अपनी बाइक पे या गाड़ी पर नहीं थे, तो वे किराए से आ रहे थे। तो फिर रात को उनका फ़ोन आया, आने मैं ऐसे आ रहा था और मेरे को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया और ऐसे मेरा एक हाथ टूटा हुआ है और मैं एक भाई के घर पर हूँ, और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। और फिर अगले दिन उनके उन अंकल के घर में भी दंगाई घुस गए। उन्होंने भी पकड़ गया मेरे पापा का, मेरे पापा की डेथ कर दी, ऑटो में रख के जला दिया। मुझे बहुत डरावना सपना आता है और उसमें पापा की बॉडी दिखती है, पापा का चेहरा जला हुआ। मेरे जो हादसा हुआ है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने अपने पापा खो दिए। अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, झूल रही है नीचे की धरती, झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल उड़ चल। जीने पे उतरते जा रहे और मुझे देखते जा रहे थे, और मेरा इतना जवाब नहीं निकला कि तुम जा कहाँ रहे हो, बस इतने ही खो गए हम लोग। देखते 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 पूरी रात बीत गई, आए नहीं। फिर मैं सुबह ढूंढने लग गई भूखे प्यासे, ना बच्चों को चाय पानी ना कुछ, बच्चों को छोड़ के फिर मैं भूखे प्यासे ढूंढने लगी। इधर देखने गई, इधर रास्ता में मत कट गया, मेरा रास्ता ही नहीं मिल रहा था मुझे। चाकू से मार के और कम्बल बांध रखा था, कम्बल बांध के वही लिटा दिया था। पुलिस वाले उठा के ले गए थे जीटीबी में, जब तो होश ही नहीं था। चुप हो जा, चुप। इसको ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना। तो शाम के टाइम दंगे वाले लोग जय श्री राम करते हुए हमारी बिल्डिंग पे आ गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने हमला करा था। हमारे पापा को हमने बेड में बंद कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने फिर भी निकाल लिया। हमने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने हमारे पापा को नहीं छोड़ा, उन्होंने मार दिया। पहले तो उन्होंने उनके सिर पर मारा, फिर उसके बाद उन्हें नीचे ले गए, फिर आग में जलाया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको नाले में फेंक दिया। बहुत याद आती है, जैसे पापा काम पे से आते थे, चीज़ लेके आते थे,
भैया को लेके जाते थे घुमाने, बहुत चीजें याद आती हैं। मम्मी जितना भी कर लें पापा की कमी थोड़ी पूरी कर पाएंगी। मम्मी फिर भी हमारे लिए बहुत कर रही है। जब पापा गुजर गए तो अम्मी ने कहा क्या नाम है, अब तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा, ना ही क्या नाम है, ना ही पढ़ाई हो पाएगी। हम सेवन्थ क्लास में आने वाले, तो फिर हमें फिफ्थ क्लास में रखा। दो साल की पढ़ाई ऐसी चली गई हमारी एक साल के अंदर अंदर। जब भी सर्दी पड़ती थी तो क्या नाम है, कुछ ना कुछ खाने के जाते थे शाम को। क्या नाम है, अब नहीं आ पाता है। क्या क्या लेके आते थे पापा? पापा मूंगफली लेके आते थे, और गर्मी में पापा पेप्सी लेके आते थे। अब तुम खुद नहीं पीते हो या कोई लाता नहीं? जब घर में पैसे ही नहीं होते लाएंगे क्या? अब बोला क्यों? क्या बोल रहे हैं? पढ़ाई में बेटर दूसरे को ना अंतिम नंबर से ये ओ भाई साहब। तुम बताओ कौन है पढ़ाई में अच्छा? अजी यही है। अरे माइक में ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, तो अरे हम तीनों ही हैं। हां कहने का मतलब ये तीनों ही हैं जी। हमें बहुत ज्यादा सैड फील हुआ है इनके पापा के बारे में सुन के, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हो सकता लखो अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद करेगा, और हमने कहा ये तो शहीद हुए जी, और हमने इन्हें बहुत ज़्यादा हौसला दिया, और हमारी ये मदद भी करते थे काम में, स्कूल के होमवर्क में, और हम इनसे नहीं बोलते थे कोई बात नहीं है तो वो होता है अल्लाह का जाना होता है। अब जिस तरह ये यहीं रहते हैं हम इनसे मजाक कर लेते हैं। पढ़ रही हूँ मैं, अब मुझे बड़े होके वकील बनना है कि ताकि जैसे मेरे पापा के साथ हो ऐसे किसी के साथ ना हो।